आजमगढ़ जनपद के रैदोपुर कॉलोनी में दिनांक 8, 9 एवं 10 मार्च 2024 को आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से त्रिदिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर, गोंडा, मऊ, आजमगढ़ एवं अन्य जगह से भक्तगण आ रहे हैं। इनको प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीय कार्यकर्ता आचार्य मेघदीपानंद अवधूत जी पधार रहे। आज सभी मनुष्य किसी न किसी समस्या से दुखी है, दुख है, दुखों का कारण है और दुख का निवारण भी है। मनुष्य जीवन शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक भी है, लेकिन इन सभी में सामंजस्य और संतुलन नहीं होने के कारण दुख है। अगर सभी में सामंजस्य और संतुलन आ जाए तो दुख का निवारण हो जाएगा। यह कैसे होगा, इसके लिए युग पुरुष श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उक्त सभी में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक नया सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक दर्शन दिए और उसे व्यवहार में लाने के लिए एक संगठन की भी स्थापना की है, जो पूरे विश्व में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के नाम से कार्य थे। सेमिनार के मुख्य विशेष शिवोपदेश मंत्र चैतन्य आर्थिक आयाम है। सभी क्षेत्र व जनपद वासी इस सेमिनार में शामिल होकर अपने जीवन में संतुलन का मार्ग जानकर अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं। तो इसलिए निध्यासन महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने मन को उन्हें दे दें, परमात्मा को मन को अपने मन को हम परमात्मा को सौंपते हैं तो हम बचे ही नहीं, हम शून्य हो गए। और उसी में दादा ने कहा वो नमक की पुड़िया वाला बात बताया, कई बात उसमें है, फिर आपने ज्यादा नहीं, लेकिन निध्यासन हमको ज्यादा समझना है। अगर निध्यासन हमारे समझ में नहीं आया तो मनन और ये जो है श्रवण, ये बराबर चल रहा है दुनिया में, इसमें कोई वो नहीं है। आनंद मार्ग के आने का मुख्य मकसद है कि उस भक्ति का, जो भी मेरे दादा भी इसके पहले राजेंद्र दादा भक्ति के बारे में बता रहे थे ना, 5-2-3 मिनट बताए थे, तो वो भक्ति है क्या, यही मन को समर्पित कर देना। और वहाँ समर्पित शब्द है कि कुछ भी उसका कौन सा नहीं बचेगा। तो हम लोगों को ये 3 पॉइंट बहुत बढ़िया समझना है कि श्रवण सब लोग कर रहे हैं। श्रवण का मतलब भाई हम लोग तब भी कोई काम कहा जाता है करने से क्या करते हैं, हम लोग पहले संगीत गा लेते हैं 2-3 ठू और उसके बाद फिर कीर्तन कर लेते हैं, ये श्रवण हो गया। अब उसमें क्या करते हैं, उसमें हम संसार का जितना दुख है उसी को कहते हैं दूर हो जाता है, बड़ा अच्छा है, आप चाहो दूर हो जाएगा। तो वहाँ परमात्मा भी है, हम भी हैं, संसार भी है, तो श्रवण वहीं तक सीमित है। तो आज सारी दुनिया श्रवण में लगी हुई है, खूब जम के लगी हुई है, इतना लग गई है कि मनन की तरफ भी उसका चिंतन नहीं, मनन को और निध्यासन तो जानता ही नहीं, उसके दिमाग में नहीं कभी आता है निध्यासन भी। वो अब उसी निध्यासन की अवस्था लाने के लिए भौतिक दुनिया के लिए वो स्थिति बनने जा रही है, वो आपको प्रौढ़ क्लास बताया जाएगा कि असंभावी है, निश्चित है, बहुत बड़ा जो जनहानि हो सकती है, बीमारियां आ सकती हैं, तमाम बातें होनी प्राकृतिक उसके द्वारा वो हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। तो इस नाते हम लोगों को निध्यासन को बढ़िया समझना है, क्योंकि बिना निध्यासन के हमारा कल्याण नहीं होगा। तो हमको श्रवण के रूप में तो हम करते ही हैं, हमारे हर साधक और कुछ नहीं कर पाते, भले ही साधना कर पाते हो लेकिन श्रवण तो कर ही रहे हैं, प्रभात संगीत गा ही लेते हैं, उसके बाद कीर्तन भी कर ही लेते हैं 2-4-5 मिनट, उसके बाद फिर बैठते हैं साधना में। अब साधना बैठने तो मनन की तरफ गए, अब मनन में भी अगर ये भाव आ जाए कि नहीं मैं और वो परमात्मा में दूरी भाव सागर है, क्या होगा इस पर अगर दुख होने लगा, अर्थात आँख में आंसू आने लगा,
कि अब क्या होगा, भवसागर कैसे पार होगा, तब निश्चित है उसको निध्यासन में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपने जो दादा ने बताया उस साधना की अवधि को बढ़ानी पड़ेगी, मनन में जाना पड़ेगा। और उसीलिए बाबा पहले ही एडवांस करके उन्होंने दे दिया मध्य विद्या कहते हैं, मध्य विद्या ही उसका यंत्र मन का असली जो वो है। विदाता ने पूछा कितने लोग हमेशा करते हैं, तो हमेशा करने की गणना नहीं आप कर पाओगे। आप प्रयास करो कि जब भी कोई काम प्रारंभ करना है तो मध्य विद्या आ जाए, मध्य विद्या उसका उच्चारण आप करो। मध्य विद्या गुरु मंत्र है, वो मंत्र का उच्चारण कर लो तो पहले जो आपके मुख्य कार्य उसमें आ जाए, फिर हर आकस्मिक कार्य में भी हो जाए। अगर ऐसा प्रैक्टिस हो जाता है तो आपका मनन पूरा हो गया। अगर मध्य विद्या का अभ्यास आप 100% तो कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर 90% 70% 80% बढ़ाते जाइए, पहले 10% होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 अगर होगा तो मनन आपका पूरा होगा। अगर मध्य विद्या में हम लोग कठोर हो जाए, उसका अधिक से अधिक पालन करने लगे, तो पक्का है मनन कंप्लीट। और मनन जब कंप्लीट हुआ तो भक्ति आएगी ही। इस संसार में ताकत नहीं है, इस भवानी में ताकत नहीं है कि जो हमको इसका माया जाल में फंसा कर रखे, ऑटोमेटिक हम एक हो जाएंगे मनन को दे देंगे। और इसी शरीर से दे देना है, इसलिए तीनों महत्वपूर्ण है। और उसी के लिए मंत्र और उसका चैतन्यता ये आवश्यक है। शब्द एक लिया बाबा ने मंत्र चैतन्य। तो मंत्र कितने प्रकार के दादा ने बताया ही है, उसमें कौन हमारे लिए उपयोगी है वो बताया भी है। और उसको मंत्र में इसी नाते व्यंजन और स्वर दोनों का मिलावट आपको मिला है। दोनों अगर आप ढाई अक्षर का करते हो तो इसके पहले ऐसा नहीं है कि महाकौर नहीं है जिसको हम लोग सारे गुरु देखते तो लोगों को मोक्ष नहीं मिला। ये हमेशा तरंग की बात है, महाकौल हमेशा उपस्थित रहते हैं, वो तरंग रहती है। कबीर सिद्ध थे ना, तो कबीर तो ऐसी बातें करके गए हैं, तो कबीर को कहाँ से मिला होगा, कबीर को ये मिल गया कि तुमको ऐसा करने से हमारा हो जाए, लेकिन वो ताकत नहीं मिली उनको कि दूसरों को भी वैसा बना दें। तो जो जो सिद्धि की बात है, सिद्धि तमाम लोग कर सकते हैं, परंतु अपने जैसा दूसरे को बना दें जो केवल महाकौल कर सकता है, वो पृथ्वी पर आता है समय समय पर, वो अलग बात है। इसी नाते हम लोग के तीन पॉइंट, तो मैं अपने दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आचार्य ज्योतिष्मान ब्रह्मचारी आनंद मार्ग जूनियर हाई स्कूल रैदपुर से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं फिलहाल में गुरुकुल हॉस्टल का शुभारम्भ करने जा रहा हूँ, जिसमें जो बच्चे आएंगे यहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य होगा नैतिकता पर विशेष प्रभाव डालना, और यहाँ पर उनके जो शिक्षण जो होगा उसके साथ साथ जो हमारे जो संस्कृति है उसको कैसे बचाया जाए, उसके संदर्भ हेतु उसके संदर्भ में उनको उस तैयार करना, उस लायक तैयार करना। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनको हर तरह की फैसिलिटी मौजूद हो। यहाँ पर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं सभी लगभग मौजूद हैं, जैसे कि मान लीजिए उनके सुरक्षा हेतु यहाँ पर कैमरे यहाँ लगाए गए हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, जहाँ भी हो वहाँ से उनको निगरानी कर सके। यहाँ पर दूसरा नंबर कि जिस प्रकार से हम लोगों का ट्रेनिंग होता है एक सन्यासी का, उस प्रकार से बच्चों का भी उस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनका सुबह से लेकर के शाम तक उनका एक रूटीन बना हुआ रहेगा, उसके अनुसार उनका ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर हर तरह की सुविधा दी जाएगी, जिससे वो वंचित पहले रह चुके हैं वो यहाँ पर लगभग प्रयास किया जाएगा कि उनको हर चीज़ की सुविधाएँ दी जा सके। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी आप लोग सुन रहे होंगे अपने बच्चे को आप यहाँ पर भेजें, और कम से कम एक महीना अपने बच्चों को देखें कि कैसा आपका इम्प्रूवमेंट है। अगर अच्छा लगता है तो आप स्वागत है आपका, और बिल्कुल अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। क्या सर, तो इसमें कुछ शुल्क भी है क्या? जी, यहाँ का शुल्क जो है मंथली 4,000 रुपीज आपको लगेगा, जिसमें कि बच्चे के सारे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब शामिल हैं, और बाकी यहाँ पर स्कूल का फी जो है आपको अलग से।